पहाड़ की तलहटी में जंगलों से घिरे इस इलाके के इन रंग बिरंगे घरों में निवास करते हैं कोटिया कंद जनजाति के लोग। यह है ओडिशा के कालाहांडी के आवास नगर और विकास नगर का दृश्य। विकास नगर के विकास का खाका खींचा है नरेगा और ग्रामीण आवास योजना ने। यहाँ सभी मकान कुछ खास तरह की ईंट से बने हैं। यह ईंटें स्टोन ब्लॉक के नाम से जाने जाती हैं। से माटी टाटा 3 महीने लगे जाऊला, इटा 2 महीने भीतर घर कम्प्लीट हो जाऊ। स्टोन ब्लॉक बनाने की एक खास तकनीक है। पहले सीमेंट के साथ रेत, कंकड़, बजरी, चिप्स और पानी मिलाकर उस मिश्रण से ईंट के साचे को 20% तक भरा जाता है। फिर बीच में 2 बड़े पत्थर के टुकड़ों को रखकर साचे का बाकी हिस्सा भी उसी मिश्रण से भर दिया जाता है। अंत में वाइब्रेटर से उसे दबाकर बनाई जाती है यह ईंट। इनमें डाले गए पत्थर के टुकड़ों के कारण इस ईंट को स्टोन ब्लॉक कहा जाता है। जिसे बनाने वालों में से हैं मालिका पंचायत के स्वयं सहायक गुट की महिलाएं। माटी ईटा रे आगे घर तैयारी होला, एबे घर माटी ईटा रे नहीं, आमे ई सिरमिट ईटा बनाइबार करी देखबा बोलू कोलू। मालिका कालाहांडी जिले के थुआमूल रामपुर ब्लॉक से 55 किलोमीटर की दूरी पर है यह गांव। समुद्री सतह से 270 मीटर की ऊंचाई वाले इस इलाके में सालाना 1,500 से 3,000 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो इंद्रावती डैम इसे 3 तरफ से घेरे हुए है। यहाँ की मिट्टी घर बनाने के लिए अनुपयोगी है। रेत के लिए जाना पड़ता है 107 किलोमीटर दूर कलामपुर। आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों ने इस समस्या का निरीक्षण किया और अंत में एसएचजी की बहनों को भुवनेश्वर में स्टोन ब्लॉक बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। अब तक 200 से भी ज्यादा ग्रामीण आवास घर और इस इलाके के सभी सरकारी दफ्तरों के मकान स्टोन ब्लॉक से ही बनाए गए हैं। ईटा रे सीमेंट बाली जगाई के करे हम ईटा काटी बाबले मां उनके बुझाई तली से मामन भुवनेश्वर मीटिंग जाइतले मीटिंग जाकर से किछि सिखले आसिकना ईटा बनाइबा पई लागिले। डैम के अंदरूनी इलाकों में स्थित 17 गांव के लोग इन ईंटों पर निर्भर करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत की ओर से इन लोगों को 7 नावें दी गई हैं। अब इंद्रावती इन लोगों के लिए बन गई है एक सहारा। इस बोट में डैम का सीना चीरते हुए 12 किलोमीटर दूर खातीकुड़ा बाजार से गांव तक गृह निर्माण सामग्री ले आते हैं ये लोग, जिसके फलस्वरूप कुछ परिवारों की मूल आमदनी का जरिया बन गई है ये बोट। एक संघर्ष भरी शुरुआत से सफलता की राह पर चल पड़ी हैं यहाँ की महिलाएं। अतीत को भूलकर भविष्य के निर्माण में सतत लगी हैं ये महिलाएं। अपने इलाके की समस्या के समाधान में सहायक हो पाने के कारण एक ईंट पर सिर्फ 1 रुपया मुनाफा होने पर भी ये खुश हैं। इन बहनों से आसपास की पंचायत के स्वयं सहायक गुट और सामान्य लोगों द्वारा इन ईंटों को बनाने की विधि सीखे जाने पर इन लोगों के सपनों में जैसे पर लग गए हैं। विकास नगर के निर्माण के बाद मालिका की इन बहनों ने भरी है एक ऊंची उड़ान। अपनी ग्राम पंचायत में गरीबी मिटाने के साथ साथ आपदा निरोधी मकान बनाकर दूसरों के लिए बन गई है एक मिसाल।